उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर 79 दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। 4 अलग अलग समय के स्लॉट में श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं केंद्र की गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर समिति के श्रद्धालुओं को सुरक्षित रहने के उपाय और मंदिर में दर्शन की व्यवस्थाओं को लेकर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं की गई। मंदिर में प्रवेश के समय श्रद्धालुओं के थर्मल स्क्रीन के अलावा हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का भी पालन कराकर मंदिर में प्रवेश किया गया। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। देखिए, आज उज्जैन के लिए बहुत खुशी का पल है कि बाबा महाकाल के दर्शन आज से प्रारंभ हो रहे हैं लोगों के लिए। लगभग 75 दिन बाद सुबह 8 बजे से हमने दर्शन, जो हमारा नियत समय था, उस पर हमने प्रारंभ कर दिए हैं। और शुरुआत वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, बकायदा उनका मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा उनका स्वागत भी किया है। लगातार लोग आ रहे हैं। पहले स्लॉट में 2 घंटे में 700 लोग हमने दर्शन के लिए बुकिंग हुई है और आज दिन भर के लिए लगभग 2200 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बुकिंग की है दर्शन कराने के लिए। बाकी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके हम सुरक्षा के लिए उनका मेडिकल स्क्रीनिंग करा रहे हैं, हैंड सैनिटेशन करा रहे हैं, पैर धोने की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए 6-6 फीट के हमने स्क्वायर भी यहाँ पर बनाए हैं और डूज एंड डोंट्स के लगातार हम प्रचार कर रहे हैं श्रद्धालुओं से कि वो किसी स्थान को हाथ ना लगाएं। और इसके बाद में लगातार हमारी जो टीम है सफाई की, वो जो रेलिंग्स है उनकी सफाई भी लगातार कर रही है। बताइए, आज बाबा महाकाल का दरबार खुला है 71 दिन बाद, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लगा आपको? बाबा महाकाल के द्वार में हमने रात को टेलीफोन से फोन लगाया और यहाँ से परमिशन मिली। हम भाग्यशाली है कि आज बाबा के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिला है। हम बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना की बीमारी से सबको मुक्त कराए, उज्जैन को नहीं, मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे भारत को कोरोना से मुक्त कराए, तो आम जनता भी यहाँ दर्शन करने आए। बाकी आज हमें इतना अच्छा लगा कि 70 दिन बाद हम यहाँ बाबा महाकाल के द्वार आए, दर्शन करके आए, हमको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए और भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करी कि जल्द से जल्द इस बीमारी से मुक्त कराए और आम जनता भी इसका दर्शन का लाभ ले सके। और मैं मंदिर प्रशासन जी को और हमारे विधायक आदरणीय पारस जी जैन साहब को, माननीय कलेक्टर महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने महाकाल मंदिर खुलवाया और हमको दर्शन का लाभ दिया। और मैं वापस से उज्जैन की अच्छी कामना करता हूँ कि कोरोना से मुक्त हो, मध्य प्रदेश हो, पूरा भारत हो, और यही कामना करता हूँ बाबा महाकाल से। जय श्री महाकाल। पहले भी आप मंदिर कई बार आए हैं, कितना बदलावा मंदिर है और क्या कुछ नियमों का पालन आपको कराना पड़ता है? बदलावा मंदिर में ये दिखा कि कोरोना वायरस के कारण आज हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग का वो करा, पहले सबके पहले सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े रहिए, फिर स्क्रीनिंग हुई हमारी, उसके बाद हम अंदर आए तो हमारे पैर के नीचे जो एक अंदर तल बनाया है पानी भरा हुआ उसमें, और वो हमारे पैर धुए और हम सीधे अंदर दर्शन करने आए सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। और बहुत दिन में बाबा महाकाल के दर्शन हुए और सबसे अच्छा रहा कि देखने में यह रहा कि आराम से दर्शन करे गए, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही। और सबसे पहले जैसे हम आए प्रवेश करा तो मंदिर समिति, हमारे विधायक और यहाँ के जो हमारे संत जन हैं उनने सबका स्वागत करा और ये देखने में बहुत अच्छा आया। बाबा से विनती करिए कि कोरोना वायरस के कारण जो यह महामारी है ये जल्दी दूर हो और हम सब पूरा विश्व इससे स्वस्थ हो। आज जो पहला दिन था उसमें श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, कितना बदलाव हुआ मंदिर भी आपको लगाया दे रहा हूँ, क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए भी ये कुछ खास दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को जय श्री महाकाल। आज जैसा कि अभी आपने बताया कि आज पूरे करीब 2.5-3 महीने बाद बाबा का ये दरबार खुला है आम श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनों के लिए। तो बस बाबा महाकाल से, क्योंकि एक पूरी नई व्यवस्था है, जो आने वाले लोग हैं उनकी भी नई विचारधारा है, जो यहाँ के सेवक हैं उनकी भी एक नई विचारधारा, सब कुछ एक नया है। अभी हमारे माननीय विधायक जी और हमने, हमारे प्रशासक महोदय रावत जी ने सबने मिल करके जो प्रथम यात्री आए उनका स्वागत सम्मान किया और यही बाबा महाकाल से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि बाबा जल्द से जल्द इस महामारी से हमारे राष्ट्र की रक्षा करो, पूरे विश्व की रक्षा करो, पूरे विश्व का कल्याण करो। और जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनसे यही आग्रह करूंगा, मैं निवेदन भी करूंगा कि आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का आप विशेष पालन करें, जो भी गाइडलाइंस हैं मंदिर के द्वारा निर्धारित की गई हैं उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप दर्शन करें। और बाबा महाकाल की अद्भुत कृपा है, आज जब प्रातःकालीन में भस्म जब अर्पित कर रहा था बाबा महाकाल को, तो मैं यही प्रार्थना कर रहा था, हे बाबा जो भी दर्शनार्थी आते हैं उन सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको स्वस्थ रखें और जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनके भाव हैं, और इस समय मैं जहां तक समझता हूं प्रत्येक भारतवासी का यही भाव है
कि हमारे राष्ट्र की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो। ये महामारी कोरोना रूपी जो महामारी इस समय भारत में है, हमारे राष्ट्र के ऊपर ग्रसित है, हमारा पूरा राष्ट्र त्रस्त है। प्रत्येक भारतीय के हृदय के अंदर मैं समझ सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक भारतीय के अंदर एक यही भाव है कि जल्द से जल्द हमारा देश, हमारा भारत, हमारा राष्ट्र इस महाकोरोना महामारी की गिरफ्त से जल्द बाहर आए। यही भाव महाकाल से प्रार्थना मैं भी करता हूँ, वो भी करें। बाबा महाकाल सबका कल्याण करेंगे। जय श्री महाकाल। दादा, आज अपने महाकाल महाकाल मंदिर में आकर लोगों का श्रद्धालु आए थे, उनका स्वागत भी किया है, किस तरह की खोज थी और क्या कुछ कहना चाह रहे थे? कल बैठक हुई थी, बैठक में निर्णय लिया था कि 8 तारीख के दिन महाकाल बाबा के आम जनता के दर्शन होंगे। अभी जब शुरू में जनता आई, उनका स्वामी जी के नेतृत्व में, प्रशासक के नेतृत्व में, जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया है। प्रथम दर्शन करने लोग आए थे। महाकाल बाबा से मैंने मांगा है कि भारत से कोरोना भगाएं और उज्जैन महाकाल की नगरी से भी कोरोना चले जाए। और महाकाल बाबा में इतनी शक्ति है कि जो महाकाल बाबा से मांगता है वो महाकाल बाबा उस शक्ति को देकर पूरा करता है। मुझे उम्मीद है कि महाकाल बाबा से आज जो मैंने मांगा, मैंने अकेले ने नहीं मांगा, पूरे भारत की जनता ने मांगा। और मैं चाहता हूँ ये कोरोना भारत से चले जाए। और यूँ भी अभी उज्जैन में स्थिति अच्छी है और आज से पट खुल गए हैं, और भगवान के जब दर्शन करेंगे तो लोगों को और उससे राहत मिलेगी। और जो सरकार के नियम है उस नियम का भी पूरी तरह से पालन किया गया है। सोशल का भी दूरी रखी गई है, घेरे इनने बनाए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो व्यवस्था हुई है, धीरे धीरे आगे भी मंदिरों में व्यवस्था ऐसी हो जाएगी तो भगवान महाकाल के अलावा सबको दर्शन करने में मौका मिलेगा। महाकाल बाबा से यही प्रार्थना है और यही मेरी उम्मीद है, और मैं यही चाहता हूँ कि कोरोना को जल्दी से जल्दी भारत से यहाँ से विदा करूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब